अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने इफ्स व अमान में रखे, अफ़ियत में रखे, खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ एग्स एंड पोटैटोस कबाब, बॉइल्ड एग्स एंड पोटैटोस कबाब, यानी आलू अंडे के कबाब मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये आलू, दो आलू मैंने लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया, और अंडे दो भी मैंने बॉईल कर लिए। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, बहुत बड़े भी नहीं थे। तो साथ में मैंने दो जो है अंडे ले लिए थे। जितना आपको मटेरियल चाहिए, जितनी मिकदार में आपको चाहिए होंगे, उस हिसाब से आप एग्स और जो आलू हैं वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये आलू मैंने कद्दूकश कर लिए, साथ ही मैं ये जो अंडा है ये भी मैं कद्दूकश कर रही हूँ। इसी तरह दोनों जो एग्ज़ हैं वो भी हम कद्दूकश कर लेंगे। जी ये देखें, आलू और अंडे दोनों मैंने कद्दूकस कर लिया। अब जो प्याज है मेरे पास, छोटे साइज की एक प्याज मैंने ली है, इसको भी हम साथ में कद्दूकस करेंगे। ये मैंने इसको कद्दूकस करने के बाद, आपको पता है प्याज में पानी होता है, तो मैंने अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लिया, निचोड़ लिया है मैंने, पानी निकाल लिया सारा मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है इसमें, और 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो कुटी हुई मिर्च है वो डाली है, रेड मिर्च। और ये मैं जो मसाला मैंने घर में बना के रखती हूँ, अक्सर मैं यूज़ करती हूँ हर चीज़ में ही, तकरीबन कोई भी सालन बनाऊँ तो उसमें भी, तो मैं ये शेयर कर चुकी हूँ कि किन चीज़ों का से ये मैंने बनाया हुआ है, दो तीन चीज़ से। वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, और ड्राई पुदीना, ये भी घर में जो पुदीना लगा होता है उसको मैं ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना के रख लेती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ड्राई पुदीना डाला है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। जस्ट ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। वैसे हरा धनिया के साथ आप जो है हरा पुदीना भी डाल सकते हैं, यानी ग्रीन पुदीना भी, लेकिन उससे यह है कि फिर थोड़ा सा शेप जो है ना उस तरह नहीं रहती है, ज़्यादा गर्म इस तरह चीज़ें डालने की। और दूसरा जो ड्राई पुदीना है ना, उसका टेस्ट जो ग्रीन पुदीना होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों में जो है ना वो नहीं यूज़ करती ड्राई, जैसे बिरयानी है उसमें भी मैं ज़्यादातर ड्राई पुदीना यूज़ करती हूँ, टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए, मैंने इनको दरमियाने साइज़ के जो है ना कबाब की शेप दे दी है आपके सामने, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो तैयार हो के भी ये बहुत ही मज़ेदार थे। अच्छा, ये एग मैंने बीट करके रखा हुआ था, उसमें मैंने इसको कबाब को मैंने पहले अंडा लगाया है, और एक सेम हैंड यूज़ नहीं करना, उससे ये कि थोड़ा ब्रेड क्रम्स जो है वो हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, वापस यूज़ के लिए नहीं रहते। तो एक हाथ से आप इसको एग लगाएं, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा लें। इसी तरह वन बाय वन हम सबको जो है
अंडा और जो ब्रेड क्रम्स है वो लगा लेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे हमारे कबाब जो हैं फ्राई होने के लिए रेडी हैं। मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी बल्कि शैलो फ्राई करूँगी। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अब हम इसको जो कबाब हैं इनको इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। इससे ये है कि डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल बीच में चला जाता है, तो उतनी हेल्दी फिर नहीं रहते। और इस तरह से बहुत ये हेल्दी हैं, चूँकि इनमें आलू यूज़ हुए हैं एज़ अ कार्ब, यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी है, अंडा यूज़ हुआ है प्रोटीन भी है, साथ में जो मैंने यूज़ किया है इसमें प्याज वगैरह और हरा धनिया, वेजिटेबल्स भी हैं, तो बड़े हेल्दी हैं ये हर लिहाज से। और ऑयल भी कम यूज़ हो रहा है, तो एक तो मज़ेदार बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि हेल्दी है। तो मतलब एज अ स्नैक्स हम इनको यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चों को लंच में दे सकते हैं ये, मतलब सैंडविच वगैरह भी अगर हम बनाने हो तो इनसे बहुत अच्छे सैंडविच भी तैयार होते हैं, और राइस वगैरह के साथ भी ये यूज़ हो सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर मज़ेदार ये कबाब हमारे जो हैं तैयार हुए थे। तो ये मेरे कबाब जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। आप इनको टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जो है ना जिस तरह चाहें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी क्विक सी और बहुत इजी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी, तो मुझे बताइएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।